మద్యం సేవించడం ఆరోగ్యానికి హానికరం. డ్రింకింగ్ ఇస్ ఇంజూరియస్ టు హెల్త్. अपना पांव ठीक से पढ़ने पर भी मुश्किल कहीं से भी आ सकती है. हमारा सफर अपने लोगों के लिए हो, फिर भी अपना संकल्प बीच में ही बदल सकता है. आपके परिवार के आंखों से आने वाले आंसू आपके ना होने का दुख नहीं बांट पाएंगे. हम जिस दुख को महसूस करते हैं, उस दर्द से आप में से कोई ना गुजरे, यही हमारी कामना है. रास्तों के प्रयाणों में संभल के रहिए. आपके प्रयाणों में आपका लक्ष्य आपका घर ही होना चाहिए. बिना किसी मुसीबत के आप अपने घर पहुंचे, यही हमारी कामना है.
आपके कारण आज इस श्राप से मुक्त हो पाया हूँ। आपका आभारी हूँ। ये दर्पण जो आपके लिए बहुत सहायक होगा आपको भेंट करना चाहता हूँ। स्वीकार कीजिए महाराज। चक्रवर्ती सम्राट बिंबिसार के राज्य में। वो किस लिए? क्या है वहाँ? मानवता की रक्षा करने वाला धन्वंतरी नामक ग्रंथ में औषधियों का ऐसा रहस्य है जिसे विज्ञान भी नहीं जान पाया। अगर वो हमारे हाथ लग जाए ना तो दुनिया हमारी मुट्ठी में होगी। Thank you.
जाने माने इंडस्ट्रियलिस्ट आरके की तबीयत बिगड़ जाने के बाद उन्हें हॉस्पिटल में भर्ती किया गया है। जैसा कि आप देख रहे हैं, हम आपको उनकी जानकारी देंगे। आप बने रहिए हमारे साथ चैनल 7 पर। जाता है, यही खासियत है धनवंतरी हॉस्पिटल। फैंटास्टिक सुपर सर, शहर में एक से बढ़कर एक डॉक्टर है। सबने कोशिश की लेकिन कोई भी उन्हें होश में नहीं ला पाया। आपने सिर्फ उसे हाथ लगाया और झट से उसकी आंखें खुल गई। और मीडिया आपकी कामयाबी पर वाह वाह करते थक नहीं रहा। इसे मैं कामयाबी नहीं समझता। कोई महान काम नहीं किया है मैंने। कामयाबी उस दिन मिलेगी जिस दिन धनवंतरी को ढूंढ लूंगा, जब पापा के अधूरे सपने को पूरा करूंगा। काली महाकाली किली किली फट स्वाहा। ओम ह्रीं क्रीं कालिकाय नमो नमः। जय भद्रकाली कृपाकर। और कितने साल इंतजार करूं? सब्र का बांध टूट रहा है। अब मुझसे जरा भी इंतजार नहीं होता। इस पूरी दुनिया को पापा अपने पैरों में झुकाना चाहते थे। या ये सपना सपना ही रह जाएगा, या इसे हकीकत में बदलने का कोई उपाय ढूंढोगे? बोलो, क्या इसे बदल पाओगे? ये होकर रहेगा, केतु शास्त्री जी का सपना पूरा करके ही रहेगा। केतु, तुमसे रोज उस धनवंतरी की लिखी हुई किताब के बारे में पूछता हूँ, तो बच्चों के किताब से परियों की कहानी सुनाते हो। बेवकूफ समझ रखा है क्या? सृष्टि में क्या कब और कैसे होने वाला है, सारे राज काल के गर्भ में है। तुम्हारे और उस पवित्र ग्रंथ के बीच में काल एक सेतु के समान कार्य करेगा। उचित समय पर ग्रंथ मिल जाएगा जिसकी विधि मैं पूरी करूंगा। जब 8वें स्थान में गुरु शनि पर अपनी दृष्टि डालेंगे, शुक्र अस्त हो जाएगा और उसी दौरान चंद्र चरम पर होगा। उसी समय कोई भूतकाल से वर्तमान काल में प्रवेश करेगा और वो साक्षात मृत्यु बनकर तुम्हारे सामने खड़ा होगा। शास्त्री, वो स्वयं यहाँ आएगा और रहस्यमय द्वार को खोलेगा। वो अपनी कुशाग्र बुद्धि से इतिहास रचेगा। वो अपने बल और चातुर्य से भविष्य बदलने का सामर्थ्य रखता है। उसने सत्ता पाने के लिए अपने भाई को मार डाला। वो है बिंबिसार। जिसने अपनी तलवार को म्यान में रखे बिना अपने घोड़े पर सवार होके एक के बाद एक राज्य जीतता चला गया। अनगिनत राज्यों की सीमाएं मिटाते, धरती को रक्त रंजित करते, अपने निरंकुश और क्रूर स्वभाव के चलते देश का ऐसा सम्राट बना जिसके सामने ना कोई मित्र ना कोई शत्रु राजा सिर उठाने का साहस कर पाया। वजह था उसके सामने शूरवीर योद्धा से कांपने लगते। विशाल अभेद्य त्रिगर्तला साम्राज्य की स्थापना करने वाला बिंबिसार था वो। Vijaya 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 Vij
जुबेदा। जी महाराज। आज की सभा का मुख्य उद्देश्य। कोई खास कारण नहीं, आपकी विजय को प्रजा, सेना और मंत्रीगण अपनी विजय समझकर उत्सव मनाना चाहते हैं। सब आपके ही गुणगान गा रहे हैं प्रभु। उसके अतिरिक्त आपसे प्रेरित होकर मित्रता बढ़ाने पड़ोसी राज्यों ने उपहार भेजा है प्रभु। अगर ऐसी बात है प्रभु तो उन्हें आने की अनुमति दो। जो आज्ञा। महाराज ये क्या बना है? पंड्या के राजा ने अपना मुकुट त्याग दिया है, उसको पिघलाकर आपके लिए तलवार बनाई है। मुकुट पिघलाकर कतार बनाई, इसका तात्पर्य हुआ उसने अपना सिर आपके कदमों में रख दिया प्रभु। अगली भेंट लाओ। ये क्या लाए हो जंजरिका? ये संजीवनी पुष्प है महाराज। अच्छा, किसी के मरने के एक घंटे के भीतर उस पर ये पुष्प फिराएंगे तो वो पुनः से जीवित हो जाएगा महाराज। या इसे जीवित करके दिखा या स्वयं मरने को तैयार हो जा। अतिथि का अच्छी तरह सत्कार किया जाए। धन्यवाद महाराज। मुझे इन संजीवनी पुष्पों की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। बिंबिसार को मारने का साहस करे ऐसे मनुष्य ने पृथ्वी पर जन्म नहीं लिया। बगीरा। जी महाराज। मेरे साम्राज्य के विस्तार में होने वाले हर संभव विरोध को बिना दया दिखाए कुचल दो। अस्माका के राजा को एक संदेश भेजो कि बिंबिसार को उनके राज्य पर आक्रमण करने से कोई नहीं रोक सकता। आत्मसमर्पण किया तो प्राणों की भिक्षा मिलेगी और प्रतिरोध किया तो मृत्यु दंड। सार महाराज की ओर से एक चेतावनी। अस्पा का राष्ट्र और उसके अधीन जितने भी छोटे राज्य हैं, वो त्रिगर्तला के संरक्षण में आ जाए, बिंबिसार के साम्राज्य का हिस्सा बन जाए। बिना शर्त उनका दासित्व स्वीकार कर ले, नहीं मानने वाले का सर काट दिया जाएगा। जो भी आज्ञा की अवहेलना करेगा उनके राज्य को जला दिया जाएगा। विजय यात्रा आक्रमण में परिवर्तित हो जाए, ये अध्यादेश मृत्यु का कारण बन जाए, उससे पूर्व हमें आपका उत्तर चाहिए। उनसे कह दो ये नहीं हो सकता। क्या इसे संदेश का उत्तर मानूं? राजकुमारी जी, उनसे जाकर ये भी कहना कि शूरवीरों को ये शोभा नहीं देता है। भूल से भी ये बात बिंबिसार ने सुन ली तो आपके पूरे राज्य में प्रलय आ जाएगा, यहाँ का एक भी व्यक्ति जीवित नहीं रहेगा। ये साम्राज्य इतना शक्तिहीन नहीं है कि एक अभिमानी राजा से भयभीत हो जाएगा। जाकर उसे कह दो। ले जा रहे हैं। मन में एक संदेह है प्रभु। जो मन में है कहो। आपकी अनुपस्थिति में किसी ने चुराने की चेष्टा की तो? जवाहरात देखकर हृदय में झुनझुना बजा। मन में तो आपके नाम का ही जाप चलता रहता है प्रभु। आपके लिए प्राण न्यौछावर कर सकता हूँ और मुझ पर ही संदेह। चिंतित मत हो जुबेदा, राजकोष तक पहुँचने के लिए पहले चिरू की जाति के आदिवासियों का सामना करना पड़ेगा। ये किसी जीवित मनुष्य के बस की बात नहीं है। आदिवासियों को प्रलोभन देके मना लिया तो धन का मामला है।
पूरे ब्रह्मांड में मेरे सिवाय उस द्वार को खोलना तो दूर कोई स्पर्श भी नहीं कर सकता, सिर्फ मेरी हस्त मुद्रा से, मेरे कंठ से निकले स्वरों से। जगत चरिका और मेरे शरीर से स्रवित होने वाले रक्त की बूंदों से मेरे सिवाय किसी ने भी उसे हाथ लगाने की चेष्टा कर दी, सीधा यमलोक पहुंच जाएगा। आज तक किसी ने ना सुनी होगी ना देखी होगी, इतनी संपत्ति है बिंबिसार के पास। हमें मार दे।
मरने के लिए बहुत आतुर हो तुम। कोई बिंबिसार को मारने की कल्पना भी करे यही अद्भुत शूरता की बात है। ऐसी स्वाभिमानी राजकुमारी को हमारे महल में रहना चाहिए। हमारी दासी बनकर तुम्हें मारने से कोई आनंद प्राप्त नहीं होगा। ऐसे कामुक सौंदर्य के साथ विलास करने का सुख कुछ और है। दीजिए मैं कराली सेना को भेज देता हूँ। नन्ही चिड़िया मारने के लिए ब्रह्मास्त्र क्यों? नन्ही चिड़िया को मारने के लिए ब्रह्मास्त्र क्यों? मेरा तात्पर्य था कि मंत्री किसी चिड़िया के समीप जाए तो वो क्या करेगी? डर के उड़ जाएगी महाराज। और उड़ने के बजाय वो वहीं खड़ी रहकर तुम्हारा सामना करे तो तब ये सोचूंगा कि वो उड़ क्यों नहीं रही है। मान लो कि एक कदम आगे आकर तुम्हें घूरने लगे तो कहीं मुझे चोंच न मार दे, इस भय से पीछे हट जाऊंगा। भाई तुम्हारे नेत्रों से झलकता भय उसके हृदय में आत्मविश्वास और निर्भयता को जन्म देंगे। न जाने कितने राजा बिंबिसार के नेत्रों में वो भय देखने की प्रतीक्षा में है ताकि हमारे राज्य पर आक्रमण कर हमारी गद्दी पर बैठ सके। लेकिन आज तक किसी ने इतना साहस भी नहीं दिखाया कि हमारी ओर नजर उठाकर देखे। हमारी प्रतिष्ठा को कितना धक्का पहुंचेगा जब शत्रुओं को पता चलेगा कि हमारे ही राज्यों में कीड़े मकोड़ों ने हमारे सैनिकों पर हाथ उठाने की हिम्मत की। घोर अपमान। पराजय की सूचना मिलते ही उन्हें लगेगा बिंबिसार राजा की निर्बलता का ये पहला संकेत है। फिर एक एक करके वो अपना सिर उठाने लगेंगे। ये छोटी बात लगती है तुम्हें? माना कि छोटी बात नहीं है महाराज, वो गांव के साधारण लोग हैं।
पर उनकी कई पीढ़ियों ने सिर्फ हमारे राज्य के लिए नहीं बल्कि दूसरे राष्ट्र से आए रोगियों का निस्वार्थ उपचार करते आए हैं। आपका विरोध करने की ना तो हमें सामर्थ्य और न ही उनकी मंशा। इस बार अगर आप उन्हें क्षमा कर सकते इसे देखो और सीखो सुबेदा। विरोध का जो स्वर उस छोटे से गांव से उठने लगा है उसी के कारण आज एक साधारण सा मंत्री राजा के सामने अपना मुंह खोल रहा है। क्या यहाँ कोई और है जिसे ये छोटी सी बात लगती है? बिल्कुल नहीं प्रभु। क्या करेंगे उनका? कुचल देंगे महाराज, इसे कुछ लोगे उनकी वीरता को कुचल देंगे। ये बताइए दादा, आज इतने दिए क्यों जलाए हैं? वो इसलिए है कि हमारे कुल देवता धन्वंतरी का जन्म दिवस है। अब ये धन्वंतरी कौन है? भगवान विष्णु के अवतार थे। और विष्णु कौन है? धर्म की स्थापना करने एवं दुष्ट राक्षसों का संहार करने, न जाने कितने युगों से मनुष्य रूप का अवतार लेके हमारी रक्षा करने आते हैं। इतने महान है विष्णु भगवान। क्षीर सागर का जब मंथन हो रहा था विष्णु ने असुरों को हरा के देवों की रक्षा की और उसने अमृत लेके देवों में बांट दिया। उसी समय अमृत की कुछ बूंदे इस पृथ्वी लोक पर आ गिरी। वो बूंदे जिन जिन पौधों पर गिरे उनमें औषधीय गुण आ गए, उनमें रोग के उपचार करने की क्षमता आ गई। धन्वंतरी की ही देन है ये आयुर्वेद विज्ञान। मानव कल्याण के लिए धन्वंतरी ने पवित्र ग्रंथ की रचना की। दादा, इस ग्रंथ को लेने के लिए असुर यहाँ आ गए तो? हर युग में एक राक्षस इस पृथ्वी पर कुटिल व्यक्ति का रूप लेकर जन्म लेता है, किंतु साथ ही ईश्वर हमारी रक्षा कर रहे पृथ्वी पर अवतरित होते हैं। बहुत अच्छा किया गुरु पूर्ण सैनिकों से तुमने बचाया। सब कुछ उन्हीं की कृपा से कर पाया। पुस्तक के लिए वो अपने प्राण संकट में डाल रहे हैं, क्या वो इतनी मूल्यवान है? संभवतः ऐसा ही। अगर वो इतनी मूल्यवान है तो उसे हमारे पास होना चाहिए। दादा, इसे इसे मुझसे मत छीनो, ये मेरे जीवन की पूंजी है। नहीं, हम पर कृपा कीजिए, हमसे महापाप हुआ है, हमारे प्राण मत लीजिए। क्या बात है बुड्ढे, उत्सव के दिन प्रवचन दे रहा था ना? अब बिंबिसार को सिखा राज विद्रोह करने वाले के साथ क्या करना चाहिए। अवश्य किसी ने आपके कान भरे हैं, आपकी अवज्ञा हम नहीं कर सकते। शत्रु के सैनिकों की सहायता करते समय तो कोई भय नहीं था, तो अब शरीर क्यों कांप रहा है? प्रजा उस राजा से भयभीत नहीं होती जिसे वो अपने योग्य ही ना समझे। राक्षस की बात कर रहे थे? नहीं बेटा, ये राक्षस नहीं है। मुख पर लगाम लगाओ
और क्या क्या बताया दादाजी ने? इन्होंने कहा जब जब राक्षस लोगों को मारेंगे ईश्वर पृथ्वी पर अवतार लेकर उन्हें बचाने आएंगे। तो अभी तक वो ईश्वर आए क्यों नहीं? अवश्य आएंगे। कहाँ है तेरा ईश्वर? जब भगवान के सामने दीपक जलाएंगे तब आएंगे। तो? और क्या उसके बाद वो मेरा वध कर देंगे? क्यों नहीं, जरूर वध करेंगे। इसे क्षमा करें, इस अबोध को नहीं पता ये क्या बोल रही है। संसार में एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो महाराज के विरुद्ध एक शब्द भी बोल सके। अगर कोई है तो सामने आए। मरने से पहले ईश्वर के आगे दीपक तो जला लिया, पर तुम्हारा ईश्वर तो आया ही नहीं। इच्छा पूरी होने से पहले जीवन की ज्योति ही बुझ गई। बेटी सर्वरी, क्यों किया ऐसा? हे भगवान, किसी बच्ची पर भी तरस नहीं आया। इतने निर्दोष लोगों के प्राण लेके क्या प्राप्त कर लिया तुमने? ए, इसकी मृत्यु तुम्हारे विनाश की शुरुआत है। आज के बाद तुम्हारा हर कदम मृत्यु की ओर जाएगा। तुम्हारा अस्तित्व एवं तुम्हारे साम्राज्य का सर्वनाश निश्चित है। मैं श्राप देता हूँ कि तुम अपने पापों के कारण नर्क में जाओगे। देखा इस बुढ़े को बगीरा, मूर्ख अपने आप को भगवान समझ रहा था, हमें श्राप देने चला था। इस बिंबिसार का दूसरा नाम काल है। यहाँ न कोई राक्षस है न कोई देवता, केवल बिंबिसार है। जिस दीपक की अग्नि सबके जीवन में रोशनी लाने वाली थी, अब उसी अग्नि में इस बच्ची की चिता जलेगी। देश के अलग अलग प्रांतों से चित्रकार बुलवाए हैं। आज्ञा हो तो आपके महान व्यक्तित्व को दर्शाती एक चित्र दिखाना चाहूंगा। आइए प्रभु। इनमें से किसी चित्र ने हमारा मन मोह लिया तो उसे आधा राज्य देंगे। यदि ऐसा नहीं हुआ तो उसका मस्त आपके कदमों में होगा। सुबेदा। हाँ। कौन है ये? आप ही हैं प्रभु। क्या मैं इतना क्रूर दिखता हूँ? बिल्कुल नहीं प्रभु। तो ऐसा चित्र क्यों बनाया होगा? बिंबिसार जैसे विशाल व्यक्तित्व का चित्र बनाना कोई सरल कार्य नहीं है। इस भूल के लिए इसे हाथी के पैरों के नीचे तब तक कुछ लो जब तक इसकी मृत्यु ना हो। बगीरा, ले जाओ इसे। मैं ये वाला लिखा था। इससे तो वो वाला आकार में काफी बड़ा है। पहले हम वो देखेंगे। उसका बुरा समय पहले आएगा। ये चित्र आपको अचंभित कर देगी। आइए महाराज। अद्भुत है जगत चंचरिका। चित्र है या इंद्रजाल? इसे दर्पण कहते हैं महाराज। हम जैसे हैं
बन जाता है इसमें महाराज। सृष्टि बनाने वाला भी अचंभित हो जाएगा। इंद्रजाल के कारीगर ने इसे निर्मित किया है महाराज, इसे बहुत दूर से लेकर आए हैं ताकि आपका मन मोह कर आपको प्रसन्नता दे सके। इसे स्वीकार करिए महाराज। रुक जाइए महाराज, इसे हाथ मत लगाइए, ये दर्पण टूट सकता है महाराज, इसे बहुत ही सावधानी से छूना पड़ता है। स्वर्ण आभूषण हीरे पन्ने मोतियों से इसे अलंकृत कर दो। जो आ गया महाराज। महाराज ये वाला ठीक है, इसे ऊपर कर देते हैं। क्या देख रहे हो सुबेदा? आपसे अधिक सुंदर तो नहीं पर कम भी नहीं हूँ महाराज। जो दर्पण हमारे लिए उपहार में लाया गया है उसमें अपना साधारण मुख देख रहे हैं, तुम्हें भी एक उपहार देंगे। हाथियों के सामने फेंक देंगे। बस 1000 कोड़े लगवाऊंगा। मेरे तो भाग्य खुल गए, अच्छा दंड है। ऐसा मायावी दर्पण महल में नहीं हमारे कक्ष में होना चाहिए। जो आ गया महाराज, के कक्ष में ले जाओ। मन में एक संदेह है। शीघ्र उगल दो। ऐसा शरीर, ऐसा रूप और किसके पास हो सकता है? अपनी चापलूसी में समय व्यर्थ ना करो, जाकर राजकुमारी को ला। समझ गया, कक्ष में दर्पण, फिर कक्ष में सुंदरी, महाराज जैसे मनमौजी पुरुष कहाँ मिलेंगे। ये सच है, ये मदिरा का प्रभाव नहीं है। इसका अर्थ है कि तुम अभी तक जीवित हो देवदत्त, जिस देवदत्त को तुमने बचपन में मार देना चाहा, आज तुम्हारे समक्ष खड़ा है। एक रक्त एक पिता के पुत्र थे, फिर भी मुझे राज्य से बाहर किया। उस दिन से न राज्य की ओर मुड़कर देखा, न यहाँ की प्रजा से सहायता मांगी, तो फिर लौट कर क्यों आए हो? तुम्हें मारने की मेरी अधूरी इच्छा पूरी करने? कतई नहीं, त्रिगर तला के लिए। अपने अहंकार की मद में तुमने क्रूरता से एक गांव जला दिया, एक अबोध बालिका के प्राण हर लिए। एक कटीला तार बनकर सदैव मुझे अपने लक्ष्य से वंचित रखा है तुमने। आज तुम्हें रास्ते से हटाकर इस साम्राज्य को अपने अधीन कर लूंगा। तुम्हारा भी कोई लक्ष्य था और मैंने तुम्हें उससे वंचित कब रखा? अस्म का राज्य की राजकुमारी ईरा। ओहो, तो मेरे छोटे भाई को किसी से प्रेम हो गया है और आज तुम अपने प्रेम को पाने के लिए यहाँ आए हो, और मुझे अपने रास्ते से हटाने के लिए भी। भाग खुल गए मेरे। तुझे उस राजकुमारी को प्रेम करने में जितना आनंद मिलता होगा, आज तुझे बंदी बनाकर तेरे ही आंखों के सामने तेरी प्रेमिका के साथ क्रीड़ा करूंगा और दुगने सुख का आनंद लूंगा।
आशा ब्रह्मांड में लौट आई है। काली शक्तियों का राज समाप्त हुआ। सृष्टि के रचयिता साक्षी बनेंगे विजेता के आगमन का। बिम्बिसार लौट पाएगा ना ही वो कहां गया इसका पता कोई लगा पाएगा। ये साम्राज्य यहाँ की प्रजा और मेरी प्रेमिका सब आज से मेरे। आज के पश्चात ये देवदत्त त्रिगर्तला के लिए बिम्बिसार हो गए। शास्त्री, ये ब्रह्मांड चमत्कार का साक्षी बनेगा। तुम्हारा हर सपना, तुम्हारी प्रतीक्षा पूरी होने वाली है। ग्रहों की चाल को मात देते, दिशा बदलते, रोशनी के वेग से भी तेज बिम्बिसार आ रहा है। शास्त्री, बिम्बिसार सच में यहाँ पहुँच रहा है। हाँ, ये सत्य है। उसे कैसे भी अपने वश में करके अपने काम को पूरा करवाना है, जो केवल तुम कर सकते हो। शास्त्री, ढूंढो उसे दुनिया के हर एक कोने में। अंदर कुछ गिरने की आवाज आई। अंदर महंगे हुए एंटिक्स रखे हुए हैं। अगर कुछ टूट गया ना तो हम दोनों को नौकरी से निकाल देंगे। चल जाके देखो। चल आराम से। चल चल चल। अच्छा, वहां कोई लेटा हुआ है? अरे बाप रे, डर मत, मैं हूं ना। कौन हो सकता है? अबे ये तो यहाँ रखे हुए एंटिक से भी पुराने जमाने का दिखता है। भाई, ये लोडिंग के बाद यहाँ पर आकर पिकेट टुन हो गया होगा। इस वर्कर को बाहर फेंक देते हैं। चल जल्दी से निकाल ले। चल 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 चल, निकाल निकाल। हेलो, लगता नहीं कर लिया। सर, आपने बुलाया मुझे? किसी को ढूंढना है तुम्हें। ढूंढना ही मेरा पेशा है। बठिंडा से लेके ब्रिटेन तक कहीं भी छुपा होगा उसे 10 दिन के अंदर अंदर ढूंढ निकालूंगा। नाम और डिटेल्स बता दी। वो 5वीं शताब्दी से इसी शहर में है। क्यों भाई, कोमा में था क्या? होश में और जीवित है। पहली बार वर्तमान काल में आया है। जिंदा है? पास से प्रेजेंट टेंस में आ गया। रॉकेट में बैठकर या किसी टाइम मशीन से मस्त चौक मार लेते हैं यार। आप बेकार टाइम वेस्ट किया मेरा। दुनिया का कोई भी काम इससे ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं हो सकता। तो ऐसे आदमी को पहचानेंगे कैसे? इस शहर की आबादी करोड़ों में है, पर भीड़ में वो सबसे अलग होगा। उसे ये दुनिया और यहाँ के लोग विचित्र दिखेंगे। तुम उसे आसानी से पहचान लोगे। सर, कोई फोटो तो थोड़ी हेल्प मिल जाती। ये ड्रेस पहनता है? बाबूराव, ख्याल रहे, उसे मेरे पास जिंदा लेकर आना है। अजीब ध्वनि है ये। किस विचित्र स्थान पर पहुंच गया हूं मैं? इसका अर्थ है कि वो कोई साधारण दर्पण नहीं था, मायावी दर्पण था। मेरे दुष्ट भाई की करतूत थी। मेरे साथ कपट किया है उसने। जल्दी कुछ सोचना होगा। यहां से निकलूंगा कैसे? पहले पता लगाना होगा कि आप मैं किस लोक में आया हूँ। अरे भाई, सही से कट मार। सबके साइज एक जैसे होने चाहिए, समझ गया? देख क्या रहा है, तो जल्दी हाथ चलाना। हम इस समय किस लोक में है? ये शहर का ब्रिज है। रात को आवारागर्दी कर रहे हो, चल भाग। बड़ा अहंकारी पुरुष है। अरे जल्दी हाथ चलाओ, जल्दी।
तुमने कहीं देखा है क्या? कहीं देखा है? नहीं नहीं देखा नहीं सर। कैसा लगा? समीप कैसे बैठे? कहीं और आसन जमा। हमने जो कहा सुना नहीं, चला जा बुढ़े। बहुत जोर की भूख लगी है, पहले खा लूं, फिर उसके बाद अपने आप चला जाऊंगा। अगर तुम्हें दिक्कत है तो कहीं और जाके बैठ जाओ। इतनी हिम्मत सम्राट को जवाब देता है। मेरा खाना। ए
भगवान। तुमने क्यों मारा इस बेचारे को? हमारे समीप बैठने का दुस्साहस किया। पर इसमें गलत क्या था? एक भिखारी एक राजा के साथ कैसे बैठ सकता है? हम सम्राट बिंबिसार हैं। ईश्वर के सामने तुमने एक अंधे आदमी को मारा, यह गलती की। ईश्वर की नजर में हर मनुष्य एक समान होता है। पाप पुण्य क्या है इसका निर्णय तेरा ईश्वर लेगा, या फिर ये बताने की चेष्टा तू ही करेगा? खुद को भगवान से बढ़कर मानना ये बहुत बड़ी मूर्खता है। इतिहास में कोई ऐसा आदमी नहीं है जो अहंकारी बनकर जीत पाया हो। जब तक तुम्हारे अंदर अहंकार रहेगा, तुम अच्छाई नहीं देख पाओगे। अच्छाई बुराई का अंतर देखने तक तुम शायद संसार में जीवित ही ना रहो। अहंकार को त्याग दो। सबका भाग्य ब्रह्मा ने लिखा है, इसे भिक्षुक का जीवन दिया। तुम्हारे भाग्य में क्या लिखा है उसे पता करो। भूमि पर अब तक कभी भी हुआ नहीं, अद्भुत दृश्य है ये। भूमि पर अब तक कभी भी हुआ नहीं, अद्भुत दृश्य है ये। विधि लेखक ने यात्रा ना कोई ऐसी कभी की। तुम्हारे नियंता है कहानी भी कुछ किए। आज के ये राक्षस सारे तुमसे भी ज्यादा ईश्वर के खेल बड़े।
से। क्या ये वही मायावी दर्पण है? लेकिन इसे इस छोटी सी जगह में कैसे बैठाया होगा? छू कर देखता हूँ। इतना देखो तू, कोई आदमी अंदर झांक रहा है। ये तो एक द्वार है। हेलो भाई, ये फैंसी ड्रेस क्यों पहनी है तुमने? इसे क्या बाथरूम का आईना समझा था जो अपना चेहरा देख रहा था इसमें? नौटंकी वाले हो क्या? एक राजा के सामने इतना ऊंचा स्वर, क्या आप बकवास कर रहे हो? अभी समझाता हूँ। अरे अरे, पागल हो गया क्या? अरे मेरा तीर हरण क्यों कर रहे हो? छोड़ो मुझे। अच्छा वो मेरा कच्चा छोड़ दिया इसने। बेबी बंद करो। जब नेत्र खुलेंगे तो हम दोबारा अपने साम्राज्य में होंगे। ये तो हमारा त्रिकरतला नहीं है, इसका अर्थ है वो हमारा दर्पण नहीं था, कहीं और मिल जाएगा। ये कोई मैनर्स है? आईने ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तब ऐसा क्या तेरा बाप बनेगा? टाइम पास के लिए तोड़ दिया? ये देने से बात कर रहा हूँ और तू कुछ को नहीं हारने चला गया? ये भी वो दर्पण नहीं था। हे मायावी दर्पण, कहाँ ढूंढूं तुझे? आज किसकी शक्ल देख के उठा? एक यही कांच बाकी है। गया बारह के भाव से। मैडम अभी पूछताछ करने में बिजी हैं। आपको बाद में कॉल करेंगी, समझा कीजिए ना। थर्ड डिग्री चालू है, तोड़ने वाले इंक्वायरी, उनसे कह दूंगा। ओके जी। ये आदमी खुद भी एक टॉर्चर है, इसकी उम्मीदें हिमालय से भी ऊंची है। हमारी रेपुटेशन तो भाई खड्डे में। ज्यादा नहीं बोलूंगा, एक केस तो सॉल्व करके ही रहेंगे। मेरा प्रमोशन और आपका डबल प्रमोशन। वैसे पूरा डिपार्टमेंट हमारा दुश्मन बना हुआ है और डीजी भी तो जानी दुश्मन है। अब ले देखे, हमारे पास बस एक ही ऑप्शन है। बिम्बे हमारे साथ आ गया ना तो डिपार्टमेंट ही नहीं पूरे शहर में हमारे नाम का सायरन बजेगा। लेकिन उसे ढूंढेंगे कैसे? वो आइटम कुछ अलग ही है। वही तो, किस्मत से उस दिन हमको एक बार मिल गया था। सोचो अगर खुद चलकर हमसे दोस्ती करने यहाँ आ जाए तो। मैडम टेररिस्ट ने हमला कर दिया क्या? पटाक इसे भी नहीं छोड़ा। मेरे दुकान के सारे आईने तोड़े, इसीलिए पुलिस स्टेशन लाया। यहाँ के भी सारे आईने तोड़ डाले। आईने से कोई दुश्मनी लगती है इसकी? मैडम मैंने बोला था ना, किस्मत खुल गई। हेलो, समझ गए। आइए। वो बाहर का शीशा क्यों तोड़ा? हमें अपने राज्य लौटना था। राज्य का कोई नाम भी होगा ना? त्रिकरतला। अगरतला? महामूर्ख, त्रिकरतला साम्राज्य। वहाँ जाना है ना, तो कोई बस या ट्रेन पकड़ लो। शीशा तोड़ने का क्या मतलब है? एक दर्पण तोड़कर ही हम यहाँ आए थे। ये सटका हुआ है, जरूर कोई आईना इसके सर पर गिरा होगा जिससे ये पागल हो गया। आप जरा रुकिए। हेलो महाराज, एक राज की बात बताऊँ क्या? मैं भी एक दर्पण तोड़कर यहाँ पर पहुँचा हूँ। तुम किस राज्य से हो? तुम त्रिगर तला से हो तो मैं धोबी तला से हूँ। हमने उस राज्य पर आक्रमण क्यों नहीं किया? कुछ दिन मेरे साथ रहो, फिर आईना तोड़कर मेरे देश में आ जाना और वहाँ से अपने राज्य में चले जाना, फिर अपने घोड़े हाथी लेकर मेरे राज्य पर आक्रमण कर देना। तो इस मूर्ख में भी थोड़ी बुद्धि बची है। अरे सोचना बोचना छोड़ो, जल्दी से हाँ कह दो। तुम्हारे साथ रहा तो मायावी दर्पण दिखाओगे? अरे मायावी दर्पण के साथ मायावी ड्रेसिंग टेबल, मायावी टेलकम पाउडर, मायावी लिपस्टिक लगा के एकदम चिकना बनकर अपने राज्य में सीधे लौट जाना। पहले मेरे साथ चलो ना। मैडम अभी आइए ना, पहले इसका हुलिया और ड्रेसिंग सेंस बदलना पड़ेगा। ए प्रसाद, और कितनी देर लगेगी? आता ही होगा। Thank you.
पहनकर तो दिन भी रात जैसा दिखने लगता है। दिन से ज्यादा रात का अंधेरा पसंद है मुझे। अब यहाँ का काम खत्म हो गया बिम्बिसार, इसे घूरना बंद करो, चलो। यहाँ पर मौजूद सभी अतिथिगण का तहे दिल से स्वागत करते हैं। अपने चैरिटी के कामों के लिए महत्वपूर्ण योगदान देने वालों को आज हमारे फाउंडेशन की ओर से मिनिस्टर साहब सम्मानित करेंगे। वाहन यहाँ क्यों रोक दिया? यहाँ अंदर एक छोटा सा कार्य है, 5 मिनट में आ जाऊंगी। आप इस वाहन में ही बैठे रहना। Thank you.
अजीब का कॉल आया था। हाँ पापा, आने में एक दो दिन लगेगा। और गुड्डी कहाँ है? वो अंदर है। आइए चलिए। सारा स्टाफ आ गया। आ गया सर। मीटिंग शुरू करते हैं। नमस्ते सर। ये कौन है? ये श्रीनिवास है सर। इसने यही से पढ़ाई की है। विदेश से अच्छे जॉब ऑफर से पर जाता नहीं, यहाँ के बच्चों को शिक्षा और संस्कार देना चाहता है। अगर आप परमिशन दें तो ये इसी स्कूल में पढ़ाना चाहता है। अगली पीढ़ी को संस्कार देना चाहते हो, बहुत अच्छी बात है। अच्छा निर्णय है, मेरी तरफ से परमिशन। कैरी ऑन। सी ब्लॉक का काम कहाँ तक पहुँचा? रात्रि क्रीड़ा के लिए तैयार रहे, अगर मना किया तो महाराज बलपूर्वक चुम्बन ले लेंगे। स्त्री का सम्मान करना हमारी सभ्यता है। राजकुमारी को इतने दिन बलपूर्वक बंदी बनाया, उसके लिए क्षमा मांगनी है। उन्हें पूरे राजकीय सम्मान के साथ उनके राज्य वापस भेजना चाहते हैं। उनसे कहिए तैयार हो जाए। गलती से मदिरा तो नहीं पी लिया? बिम्बिसार एक नारी से क्षमा मांगेंगे? कहता हूँ।
क्षमा के पीछे तुम्हारा क्या उद्देश्य है? तुम विश्वास करने के योग्य नहीं। क्या समझते हो मुझे, एक मूर्ख स्त्री या फिर अबोध बालिका? आपकी आलोचना असत्य नहीं है, पर पहले हमारा एक सत्य जानिए। कुछ भी हो जाए तुम्हारी ये चाल सफल नहीं होने दूंगी। पहली बात, मैं बिंबिसार नहीं हूँ। आपको बंदी बनाने वाले को अंतरिक्ष भेजने वाला है, उसका छोटा भाई देवदत्त हूँ मैं। बिंबिसार का कोई भाई भी था? हाँ, हम दोनों जुड़वा भाई हैं। पिता की मृत्यु के बाद उसने मुझे भी मारने की कोशिश की ताकि उसे राजगद्दी मिले। जीवित रहने के लिए एक ही शर्त थी कि मैं कुछ साल इस राज्य से कहीं दूर छुप जाऊं। ऐसे ही छुपते छुपाते एक दिन मैंने तुम्हें देखा। शराब की बोतल में अपने जामे, यू इडियट। दारू की खुशबू वहां तक पहुंच गई क्या? पांचवीं शताब्दी में पैदा हुआ है, टाइम मशीन से फ्यूचर में आए हैं, जो है नहीं उसे कैसे ढूंढूं? कौन ऐसे बेवकूफ होगा जो अपना नाम बिंबिसार रख के घूमता रहेगा? सुब्रमण्य सच में पागल हो गया। कुछ कहा क्या तूने?
किसी को पागल काम है। उससे पहले क्या कहा? बेवकूफ कहा था। उन दोनों के बीच में किसी का नाम लिया था। हाँ, वही क्या नाम लिया था? नाम बिम्बिसार। क्या काम है उससे? तुझे का मतलब बेवड़ी? मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। कैसे करेगा? बाल बाल बच गया, वरना मुझे ऊपर पहुँचा देता वो। उससे पंगा लेना मतलब मौत का पासपोर्ट बनवाना। इसी आदमी की बात कर रहे हो? यही शक्ल थी भाई। यमलोक का वीजा चाहिए क्या? उसे ढूंढना बंद कर दो और घर जाके सो जाओ। ये बड़ा काम का बंदा है, इसे उठा के कार में पटक जरा। बात भेजे मेरी घुसती है क्या? ग्रेट डिटेक्टिव बाबू राव से हाथी भी कांपते हैं बेटा। मरेगा ये। मैं श्राप देता हूँ कि तुम अपने पापों के कारण नरक में जाओगे। पाप किया है मैंने, अहंकार में आकर एक अमानवीय कार्य कर दिया, एक बच्ची के प्राण ले लिए। ये किस दुविधा में पड़ गया? काल चक्र के चक्रव्यूह में फंसकर तुम ये भूलने लगे हो कि तुम कितने महान सम्राट हो। तुम्हें अपने गौरवपूर्ण इतिहास का स्मरण करवाने आया हूँ, जिसका मैं स्वयं साक्षी हूँ। सम्राट बिम्बिसार ने कभी कुछ अनुचित नहीं किया, किया है एक नहीं दो नहीं, अनगिनत पाप किए हैं उसने। क्या उदाहरण है? राजगद्दी पाने के लिए अपने भाई को मारने की कोशिश की, वो अनुचित नहीं था, वो सिर्फ एक रणतंत्र था, अपनी प्रजा को अपना दास बनाना। क्या ये दुष्कार्य नहीं था? वो एक राजनीति थी। और धन्वंतरीपुरा के लोगों ने क्या अपराध किया था? उन्होंने राजा से विद्रोह की भूल की थी, और उस नन्ही सी लड़की का क्या? क्रोध में अंधे होकर उसकी हत्या कर दी। क्या वो उचित था? उस समय वो योग्य था, और आज उसी लड़की ने इस बिम्बिसार के प्राण बचाए हैं। तुम उसे क्या कहोगे? वो विधि है, उसी विधि के विधान ने बिम्बिसार को यहाँ लाया, मुझे अपनी भूल की अनुभूति करवाई, मुझे एक मनुष्य बनाया। तुम अपने अस्तित्व की पहचान खोने जा रहे हो, भूल चुके हो कि तुम एक चक्रवर्ती सम्राट हो। कुछ नहीं भूला, सही पथ चुन लिया। Yeah.
बच्चे को कहाँ रखा है? अगर नहीं बताया तो गिनती में 100 से भी कम हो, रणभूमि में युद्ध कैसे लड़ा जाता है इसका आभास तक नहीं है तुम्हें? मैं अकेला एक सेना के बराबर हूँ। तेरी धमकी सुन के यहाँ पर किसी ने पलक भी नहीं झपकाई। हम भेड़िए हैं। समक्ष लेकर आएगा। ऐसा ना हुआ तो कुछ ही क्षणों में यहाँ मृत्यु का तांडव होगा। जो भी निर्णय लोगे उसका परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहो। अब यहाँ तुम्हारे दया की पुकार नहीं, सिर्फ तुम्हारी चीखें सुनाई देंगे। Thank you.
राज तुमसे पूछेगा कि समय से पहले तुम्हें यहाँ किसने भेजा। कहना धरती पर एक यमराज है, त्रिगर्तला साम्राज्य का सम्राट बिंबिसार उसने भेजा। इससे पहले ऐसा कभी नहीं हुआ, हमेशा लोगों की मदद की है, हमारी किसी से कोई दुश्मनी नहीं रही। हमारे घर में पीढ़ियों के बाद एक लड़की पैदा हुई, इतनी छोटी सी लड़की को किडनैप कर लिया। अगर तुम उस दिन भगवान बनकर नहीं आते, शायद अपनी बच्ची को खो देते। कहीं ये भाग्य का कोई संकेत तो नहीं, ये नई शुरुआत है या फिर हमारा अंत? जरूर पिछले जन्म के पाप होंगे जिसकी सजा मिल रही है। नमस्ते सर, आपने हमारी बेटी को बचाया, हम चाह कर भी आपके एहसान को नहीं चुका पाए। खुशियों को हंसते गुलकन में इतना भयानक काल कैसे आया? हमारे हाथों इतने पाप हुए, संभवत है ये उसी का फल है महाराज। खेत सूख गए और पशु मर रहे हैं, और प्रजा महामारी के प्रकोप से पीड़ित है, भूख से न जाने कितने लोग मर गए, प्रजा गंभीर कष्ट भोग रही है महाराज। बिना विलंब अनाज के भंडार खोलो और प्रजा की मदद करो। ये संभव नहीं है महाराज, जितना अनाज हमारे भंडार में है उससे बहुत ही कम लोगों का पोषण हो पाएगा। कहने को हमारा साम्राज्य कितना विराट है, लेकिन प्रजा की सहायता ना कर पाऊं तो ऐसे साम्राज्य का क्या उपयोग? कोई उपाय ढूंढिए मंत्री जी। एक उपाय है प्रभु। क्या है वो? आपकी कोष निधि। किस कोष की बात कर रहे हो? उस कुबेर कोष की जिस पर आपने निजी ताला लगा रखा है।
आपसे सीधा प्रश्न पूछूंगा, उसका सीधा उत्तर दीजिएगा। कैसी आज्ञा महाराज। कौन हूं मैं? महाचक्रवर्ती सम्राट बिंबिसार। अब ये बताइए, मेरा बर्ताव कैसा है? महाराज, आपका अभिप्राय नहीं समझा। संकोच ना करें महामंत्री जी, अभी जो कुछ भी आपके मन में है बिना भय के बताइए। महाराज, आपके पिता के आदर्श अलग थे, शासन अलग था, अहंकार और अधिकार ये दोनों दरबारें एक महल में नहीं आ सकती है। एक राजा के पास असीमित अधिकार होते हैं, लेकिन जब उसके साथ अहंकार जुड़ जाए महाराज, वो राजा ज्यादा दिन नहीं रहता। अभी जो कुछ कहा मैंने, उसके लिए क्षमा कर देना। क्षमा क्यों मांग रहे हैं? आपने सही कहा है, मेरे पिताश्री के एक नहीं दो पुत्र थे। एक इस साम्राज्य का सम्राट बना, दूसरे की संसार की दृष्टि में मृत्यु हो गई। ये एक रहस्य है जिसे कोई नहीं जानता। वो दूसरा बेटा अब भी जीवित है। आपके समक्ष बिंबिसार नहीं, वो दूसरा बेटा खड़ा है। मैं दोबारा राज्य में दाखिल तो हो गया, लेकिन राज्य को संकट से निकालने में समर्थ नहीं। राजकोष से धन नहीं निकाल सकता। निकाल सकते हैं, एक उपाय है उसके लिए। कौन सा उपाय? किसी भी मनुष्य के वाणी, रक्त और कांति से उसके चारों ओर एक प्रभा मंडल बनता है। आप बिंबिसार के भाई हैं, इसीलिए प्रभा मंडल एक समान ही होगा। मुझे बस तीन अनुष्ठान करने होंगे। जैसे ही एक यज्ञ समाप्त होगा, आप अपने हाथों से एक आहुति देंगे, जिससे एक अखंड ज्योति जल उठेगी। जैसे ही अखंड ज्योति जलने लगेगी, बिंबिसार का बल क्षीण होता जाएगा। उसी कुछ क्षणों में जब बिंबिसार की शक्ति कम होगी, आप धन कोष का द्वार खोल पाएंगे। आप इस अनुष्ठान की तैयारी शुरू कीजिए। लेकिन इस प्रक्रिया में एक बहुत बड़ी समस्या है। आपके और बिंबिसार के बीच जन्म नक्षत्र, जन्म राशि, यहाँ तक कि दोनों के रक्त में भी समानता है। इस विषय को समझना होगा। वो ये है कि इस यज्ञ के दौरान बिंबिसार की शक्तियों के साथ आपकी शक्तियाँ भी क्षीण होंगी एवं आपकी मृत्यु भी हो सकती है। बिंबिसार के राज में प्रजा ने बहुत कष्ट सहे है, लेकिन अब मैं उन्हें समृद्धि देना चाहता हूँ। आज प्रजा पर संकट आया है, अगर प्रजा को बचाने के लिए प्राणों की आहुति देनी पड़े तो मैं तैयार हूँ। इस राज और इस प्रजा की रक्षा करनी होगी। बिंबिसार इतिहास में सदैव महान सम्राट बनकर रहेगा। अगर आप प्राण न्योछावर करने को तैयार हैं, तो फिर राज्य कौन संभालेगा? बिंबिसार के विरोध में खड़ी होने वाली नीरा, वो इस साम्राज्य की महारानी बनेगी। एक सेनापति को तुच्छ सेवक समझ लिया है। राष्ट्र संकट में हो तो उसकी रक्षा करने का दायित्व तो सम्राट से अधिक सेनापति का होता है। बिंबिसार यदि महान बन पाया तो उसका कारण था बघीरा की शक्ति। मेरे कारण ही आज त्रिगर्तला एक विराट साम्राज्य बन पाया। बघीरा के नाक के नीचे से बिंबिसार को हटा कर किसी और ने त्रिगर्तला की राजगद्दी पर बैठने का साहस किया। ये आप क्या कह रहे हैं सेनापति जी? चाहकर भी मुझे इस बात पे विश्वास नहीं हो रहा कि महाराज नहीं कोई और है। सबसे पास उनके मैं ही रहता हूँ, मुझे ही नहीं पता। यदि किसी से कहेंगे कि बिंबिसार की जगह देवदत्त राजा बना है तो कोई विश्वास ही नहीं करेगा। परंतु यही कटु सत्य है। अब क्या करने की सोच रहे हैं सेनापति? आज से त्रिगर्तला साम्राज्य का नया सम्राट होगा ये बघीरा। विश्वासघात! शीघ्र जाकर महाराज को बताना होगा। प्रभु, 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 अपने शयन कक्ष में तो नहीं है? प्रभु, प्रभु, पता नहीं कहाँ व्यस्त है। बड़ी भूख लगी है, बैठकर फलों का आनंद लेता हूँ। एप्पल, ये यहाँ कहाँ से आ गया? होगा किसी का, खा लेता हूँ। फल तो दर्पण पर ही गिरा था ना, कहीं पीछे कोई है तो नहीं? नहीं, यहाँ तो कोई नहीं है। ये क्या, ये दर्पण फल खाता है? ये क्या खा रहे हो?
एप्पल है और क्या। तुम भी ना, सुबह इतना नाश्ता करके आए थे उसके बाद भी भैंसे की तरह चढ़ते रहते हो। वैसे ये एप्पल तुम्हें दिया किसने? इस आईने में से बाहर आया है। आईने से एप्पल कैसे आ सकता है? पापा को बेवकूफ समझते हो क्या? स्वास्थ्य ना तो खुद देख लो। ओहो, ये तो विचित्र बात हो गई। ये वाला फल खाओगे क्या? भूख लगी है ना? कुछ कर कहीं के? पापा, आईने में राक्षस छुपा है। यहाँ रुके तो ये हम दोनों को खा जाएगा। चलिए पापा, चलिए ना। ओ, ओ, चलो चलो। बगीरा ने जो कहा वो सत्य है। अब समझ गया, इस दर्पण में धक्का देके महाराज को दूसरे संसार में भेज दिया। प्रभु, ये तो घोर अन्याय है। प्रभु, ये अनुचित है। अपने महाराज को मैं वापस ला कर रहूंगा। उनके साथ छल करने वाले को छोड़ूंगा नहीं। प्रभु, आपकी रक्षा के लिए ये तलवार ला रहा हूँ। जय हो बिम्बिसार, जय हो बिम्बिसार। ये कौन सा विचित्र लोग है, हमारे संसार से एकदम भिन्न है। इन्हें वस्त्र पहनना नहीं आता क्या? क्या इतनी दुर्गंध है जो अपने नाक में ढक रखे हैं? कैसे मूर्ख है। मेरी छींक में इतनी शक्ति। प्रभु प्रभु, सम्राट बिम्बिसार को कहीं देखा है? बड़ी बड़ी आंखें, लंबा कद, चौड़ी छाती, अपने आप में वो एक ही। ऐसा कोई नहीं देखा। चलो जाओ, मुझे ही ढूंढना होगा। प्रभु प्रभु, इस विचित्र लोक में कहाँ ढूंढूंगा? यहाँ का मार्ग भी नहीं पता। प्रभु बिम्बिसार, पता नहीं किस अवस्था में होंगे वो। बिम्बी, ये देखो। क्या है ये? इसमें कुट्टी को किडनैप करने वालों की डिटेल्स हैं। जब हम लोगों ने थोड़ी डिटेल में इंक्वायरी की तब पता चला वो शहर से नहीं है। हॉस्पिटल जाकर उससे पूछताछ करने की कोशिश की पर वो बात करने की हालत में नहीं है। बच्ची को मारने के लिए परफेक्ट प्लानिंग की थी उन्होंने। हेलो, बिम्बी सर को फोन दो। बिम्बी, तुम्हारे लिए कॉल है। कौन बोल रहा है? हेलो महाराज जी, क्या हाल है? कौन बोल रहा है? अरे, एक दूसरे को जानना इतना जरूरी है क्या? एक्चुअली है, आज उसका अपना बड़ा बेटा अपनी पत्नी के साथ मंदिर गया है और वो बूढ़ा घर पर बिल्कुल अकेला है और छोटा वाला बेटा कहीं शहर के बाहर है। तुम्हारे घर पहुंचने तक वो पूरा परिवार जिंदा रहे, उसके लिए हम दोनों की मुलाकात बहुत जरूरी है। मेरे किसी अपने को खरोंच भी आई तो मैं तुझे चीर के रख दूंगा। कूल डाउन महाराज जी, कूल, आराम से। मैंने तो सिर्फ जानकारी दी और तुम जान लेने पर उतर आए। हाँ, क्या नाम है तेरा? इतनी भी जल्दी क्या है? अपनी दाई तरफ देख जरा तो तेरी लाडली परी के प्यारे पापा दिखाई देंगे। जा, जल्दी से बचा ले, जा। राजीव! होंक मत, उसे जानबूझ के जिंदा छोड़ा। उसका अंतिम समय अभी तक आया नहीं है, इसीलिए बख्शा। पर अब जो हादसा होगा उसे तेरा बाप भी नहीं रोक पाएगा। राजीव! इतना खौफ सुन के मुझे एक अलग ही सुकून मिल रहा है। मुझसे क्या चाहिए तुम्हें? तुमसे मिलना मेरा बचपन का सपना था, तब से ढूंढ रहा हूं तुम्हें, तेरा इंतजार किया। अब तुझसे एक ही गुजारिश है, मेरी ख्वाहिश पूरी कर दे। एक कार तेरे पास आकर रुकेगी, बिना सवाल किए उसमें बैठ जा। नखरे मत दिखा, बैठ। यस्ते वर्ण्यो मेधत्वज्रसायकसहा
मोक्ष का द्वार खोलने के लिए जो तीन बाधाएं आएंगी उसके लिए तीन यज्ञ करने पड़ेंगे। इन तीनों का प्रतीक है यहाँ प्रज्वलित हो रही अखंड ज्योति। इस पवित्र यज्ञ से ही कोष का द्वार खुल सकता है। आप यज्ञ की प्रक्रिया आरंभ कीजिए, जो होगा अच्छा ही होगा, आप निश्चिंत रहिए। बच्चे को मारने में कोई कसर नहीं छोड़ी तुमने, क्या गुनाह किया है मेरे परिवार ने? बिम्बिसार का वंशज होना ही तुम्हारा सबसे बड़ा गुनाह है। तुम्हारा ये पाप हमारे लिए वरदान बन गया। बताता हूँ वो कौन है, वो जिसकी तुम भगवान की तरह पूजा करते हो, जिसके आदर्शों को आज तक मानते आए हो, वो सम्राट जिस पर इतिहास भी गर्व करता है, महाराज बिम्बिसार, जिसे ढूंढना बहुत कठिन था और जिसे ढूंढते हुए हम तुम्हारी चौखट तक आ पहुंचे। जो इस दुनिया में नहीं उसे ढूंढना पागलपन है। उस लोक को पार करवा के समय ने उसे यहाँ पहुंचा दिया है। उसे ब्लैकमेल करने के लिए ही मैंने तेरी लाडली पोती को अगवा किया है। तुम्हारे हर सपने को पूरा करने वाला बिम्बिसार यहाँ आ चुका है। सही कहा कि तुम मेरे रचे इतिहास को बिम्बिसार अपने कलम से लिखेगा। चाहिए तुम्हें पवित्र ग्रंथ धन्वंतरी? हाँ, बिना उसकी महानता जाने मामूली किताब समझकर उसे अंदर रख दिया। कोष का दरवाजा खोलो, उस ग्रंथ को ढूंढो और मेरे हवाले कर दो। दरवाजा नहीं खुलेगा। मेरी बात को ना मानकर मुझसे युद्ध करके शायद तुम अपने परिवार को बचा लो, लेकिन लड़की को नहीं बचा पाओगे। क्या किया तूने बच्चे के साथ? इतनी कब कभी महाराज को शोभा नहीं देती। जरा उस तरफ देख। वायरस इंजेक्ट किया है, हर एक घंटे में जहर इसके खून में फैलता जाएगा, 24 घंटे के बाद इसका खेल खत्म। इसे ठीक करने वाली औषधि संसार में नहीं बल्कि केवल धन्वंतरी ग्रंथ में ही मिलेगी। चौबीस घंटों में उसे ढूंढ कर लाना होगा। अगर उस बच्ची की जान बचाना चाहते हो तो समय गंवाए बिना अंदर जाने की तैयारी करो। महाराज, यज्ञ संपन्न हो चुका है, इसकी आहुति यज्ञ में दीजिए।
पीछे कैसे चला गया? ये कोई नकली बिंबिसार तो नहीं है ना? या कोई भगोड़िया है? बिंबिसार है वो। अगर ये बिंबिसार है तो इससे खजाने का दरवाजा क्यों नहीं खुला? चुप क्यों है, बोल के दो। यही बिंबिसार है। मुझे पूरा विश्वास है, काल ने स्वयं इतिहास को लिखा है। इतिहास असत्य नहीं हो सकता शास्त्री। कहीं कुछ तो अनुचित अवश्य हो रहा है। ए, जहां जाना है जा, जो करना है कर। सूरज के ढलने से पहले धनवंतरी मेरे हाथों में होनी चाहिए, वरना बच्ची का मरना तय है। उसके बाद भगवान भी नहीं बचा पाएंगे। यज्ञ संपन्न हुआ, इसकी आहुति अग्नि में दीजिए। जलाने से आप धरती पर आएंगे, इस बात को मैंने झूठ कहा था, लेकिन आज पूरे विश्वास के साथ दीपक जला रहा हूं। मेरे प्राण बचाने वाली वो नन्ही बच्ची आज खुद मृत्यु के द्वार पर खड़ी है, और मेरी समझ में नहीं आता कि मैं उसके प्राण कैसे बचाऊंगा। बिंबिसार ने आज तक किसी के आगे अपना सर नहीं झुकाया, ना किसी से मदद मांगने के लिए हाथ फैलाए, लेकिन आज आपसे भीख मांगता हूं, उस बच्ची के प्राण बचाने का कोई उपाय बताइए। आखिरी बार मेरी मदद कीजिए, फिर जो दंड देंगे स्वीकार होगा। राज्य संकट में है। तुम यहाँ कैसे आए? उस दर्पण के माध्यम से। दर्पण से आए? हाँ, मुझे स्थान पता है, आपको वहाँ ले चलता हूँ। चलिए महाराज, ये अनुष्ठान का अंतिम चरण है, इसके पूर्ण होते ही बाधाएं हट जाएंगी एवं कोष का द्वार खुल जाएगा। को आज बघीरा के शस्त्र से ही तुम्हारा वध होगा।
बिंबिसार को हटाकर स्वयं राजा बन गए। अब मैं तुम्हें हटाकर तुम्हारा स्थान लूंगा, उसके बाद मैं इस राज्य का नया महाराज बनूंगा। अगीरा, क्या तुम राजद्रोह का दंड भूल गए? एक बार महाराज बनने में किसमें साहस होगा जो मुझे दंड दे सके। क्या लगता है बिंबिसार किसी और लोक से आके तुम्हें हमारे प्रकोप से बचा पाएगा? इससे पहले बिंबिसार की तलवार का सामना करना होगा। युद्ध में पराजय ना स्वीकारने वाला महान साम्राज्य है ये त्रिगर्तला। इसका भाग्य बदलने की शक्ति इस धरती पर पैदा हुए किसी इंसान में तो क्या, सृष्टि के निर्माता ब्रह्मदेव में भी नहीं है। ये बिंबिसार ही इसका भाग्य विधाता है। किसी में पुरुषार्थ और पराक्रम का यदि एक भी अंश जीवित है तो आ जाए से नहीं खुल पाएगा महाराज। वो किस लिए? इसका बंधन अनुष्ठान से परिवर्तित किया। आपके जाने के बाद यहाँ अकाल पड़ा जिससे यहाँ की प्रजा गहरी संकट में है और देवदत्त उनकी सहायता करना चाहता है। अनुष्ठान के पूर्ण होने तक प्रतीक्षा करना होगा। तो अपना अनुष्ठान पूरा कीजिए। यज्ञ पूर्ण होने पर आपकी मृत्यु हो जाएगी।
वहां एक बच्ची के प्राण बचाने हैं और यहां प्रजा के। दोनों ही मेरे अत्याचार के शिकार बने हैं। उनकी रक्षा के लिए मैं अपने प्राणों की आहुति दूंगा। यज्ञ पूरा कीजिए महाराज। पुरा को उसका खोया वैभव लौटाऊंगा। आज के पश्चात ये राज्य ही नहीं, ये ग्रंथ भी तुम्हारा दायित्व है। इसका सम्मान करना। प्रभु, उस बच्चे का क्या? मैं अपने प्राण खोकर भी उस बच्चे को बचाऊंगा। ये क्या तमाशा है कि तू बिंबिसार खजाना धनवंतरी सप्तमाक का वहम है? ये सत्य है शास्त्री। तो क्या वो आएगा? उसके प्राण उस बच्ची में बसते हैं, वो अवश्य यहां आएगा। बिंबिसार लौट आया है, अब देखते जाओ, अपना सपना पूरा होगा। दुनिया पर राज करूंगा मैं। पापा, आपका सपना पूरा होगा। ए, तुम्हें उस किताब को लेने के लिए भेजा था ना, कहाँ है वो? मैं उस ग्रंथ का महत्व समझ चुका हूँ। उसे एक बहुत ही सुरक्षित स्थान पर रख कर आया हूँ। अभी तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि अपनों को खोने का दर्द क्या होता है। उस बच्ची को ही नहीं, तेरे आंखों के सामने तेरे पूरे परिवार को खत्म कर दूंगा मैं। नामो निशान मिटा दूंगा। Yeah!
सच कहिए, आप वही बिंबिसार है ना जिसे हम भगवान की तरह पीढ़ियों से पूछते आए हैं? आज भी आपने हमारी रक्षा की, हमारे कंधों पर हाथ रखकर हौसला दिया। आपका यहां से जाना कैसे सह पाएंगे? देखिए समय बहुत क्रूर है, अंतिम समय में आपको पहचान पाए। समय ही इंसानों के बीच में दूरी लाता है। आपका आना एक आशीर्वाद जैसा था, आपका जाना हमारे लिए दुर्भाग्य होगा। हमारा ये जो घाव है वो कभी भी भरने वाला नहीं है। जिसे क्रूर कह रहे हो वही हमें पास लेकर आया। कोई अपने विधि के विधान से नहीं भाग सकता। अपने अहंकार और सत्ता पाने के लालच में न जाने कितने युद्ध लड़े। चक्रवर्ती सम्राट बनने के बाद से आज तक एक भी युद्ध नहीं हारा। आज पहली बार अहंकार और सत्ता के बजाय मानवता के लिए लड़ा हूं और मैंने अपने आप को हरा दिया। यही इस बिंबिसार की असली जीत है। इतना साहस और बल और किसमें है सुबेदा? He's unstoppable, he's unguardable, he's unstoppable, he's undefeated, he's unbeatable.